हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं सभी लोग मजे में होंगे। फिर भी अगर कोई बात तो नीचे लिख डालो ना यार कमेंट बॉक्स में। आज का जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि कल मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी। नॉर्मली उनको जब कोई फोन लेना होता है तो मुझसे सजेशन ले लेते हैं, तो ऐसे में उसका फोन आया और बोला कि यार मुझे 6,000 रुपए के आसपास में एक फोन चाहिए। और थोड़ा सा वो उदास भी था क्योंकि उसको लग रहा था कि ये GST वगैरह बढ़ गया है, तो ऐसे में फोन जो है उनके प्राइस बढ़ चुके हैं, तो शायद उसको 6,000 से नीचे के प्राइस रेंज पे अच्छा फोन ना मिल पाए। तो मैंने उसको बोला कि यार ऐसा कुछ नहीं है, प्राइस डेफिनेटली बढ़े हैं, लेकिन आज की तारीख में भी आपको 6,000 से नीचे के प्राइस रेंज पे एक से एक दमदार फोन देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूं ताकि सभी लोगों को ये क्लियर हो जाए कि 6,000 से नीचे के प्राइस रेंज पे क्या कमाल धमाल फोन आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है। तो लेके आया हूं मैं एक वीडियो जहां पर आपको देखने को मिलेंगे वो टॉप 5 फोन जो आप ले सकते हैं 6,000 से नीचे के प्राइस रेंज पे। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेक वाणी। सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, ठोक दो इस लाल कलर के बटन को और कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। फटाफट इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फोन की बात करूं तो वो है Asus Zenfone Max M1। अब ये फोन आपको 5,999 रुपए का देखने को मिल जाता है और इस फोन के अंदर आपको 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर रैम भी ठीक है और स्टोरेज भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही आपको 2 4G की सिम लगाने के बाद अलग से डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है, तो आप मेमोरी को बढ़ा भी सकते हैं और यहां पर आप चाहे तो 128 256 GB तक का मेमोरी कार्ड यहां पर लगा सकते हैं। बात करता हूं अगर मैं स्क्रीन की, और स्क्रीन के साथ मैं बॉडी की भी बात करूंगा। स्क्रीन में आपको 5.45 इंच की HD+ डिस्प्ले यहां पर आपको देखने को मिल जाती है, अच्छी खासी डिस्प्ले है और मेटेलिक फिनिश आपको यहां पर इस फोन के अंदर देखने को मिल जाती है, तो काफी स्ट्रांग ये फोन है और फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों का ही सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई बात करूं अगर मैं कैमरे की तो आपको रियर में 13 MP का कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 8 MP का जो है वो कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट और बैक दोनों के ही कैमरे काफी अच्छे हैं। और बैटरी बैकअप की बात करूं तो 4000 mAh का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा 10 W के चार्जर के साथ। और जब बात आती है पावर की तो यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 430 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ओवरऑल काफी अच्छा पैकेज है। मेमोरी को अपग्रेड भी कर सकते हैं, Snapdragon का प्रोसेसर है। 5,999 रुपए के अंदर Asus के इस फोन के लिए आप जा सकते हैं। लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप Flipkart पे जाकर या Amazon पे जाके भी इसको खरीद सकते हैं। और बात करूं अगर मैं दूसरे फोन की तो वो है एक दमदार ब्रांड का फोन Nokia 2.2, जहां पर आपको 3 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसको आप 400 GB तक बढ़ा सकते हैं। और अगर बात करता हूं स्क्रीन की तो आपको 5.71 इंचेस की आपको HD+ स्क्रीन देखने को मिल जाती है। कैमरे की अगर मैं बात करूं तो आपको रियर में 13 MP का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। नोकिया के यार कैमरे काफी अच्छे होते हैं, बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है, तो डेफिनेटली अगर आप एक क्वालिटी फोन लेना चाहते हैं 6,000 रुपए के प्राइस रेंज पे, तो डेफिनेटली नोकिया इज अ वेरी गुड ब्रांड, आप इसके लिए जा सकते हैं। यहां पर आपको 13 MP का रियर कैमरा देखने को मिलेगा और 5 MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अच्छा, बैटरी बैकअप की अगर बात करूं तो 3000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जो आपका एक दिन बड़े आराम से निकाल देगी। और अगर बात करता हूं प्रोसेसर की तो यहां पर आपको MediaTek का Helio A22 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जहां पर आपको काफी बैटरी एफिशिएंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि 3000 mAh की बैटरी है तो हो सकता है बैटरी बैकअप कम देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। 3000 mAh की बैटरी आपकी नोकिया के अंदर बड़े आराम से एक दिन निकाल देगी। और अगर बात करते हैं अपडेट्स की तो नोकिया के अंदर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट भी काफी फास्ट मिलते हैं, तो अगर आपका 6,000 रुपए का बजट है तो नोकिया 2.2 डेफिनेटली एक बहुत अच्छा फोन है, आप इसके लिए जा सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 फोन के बारे में। और भाई नंबर 3 फोन जो है वो तो सिर्फ 5,000 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा। एक एडिशन तो इसका 5,000 से नीचे के प्राइस पे मिलता है, उसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आपको 8 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। यहां पर मैं बात कर रहा हूँ Redmi Go के बारे में, जो 5,199 रुपए के अंदर 1 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। ये गो एडिशन इसलिए क्योंकि यहां पर आपको जो है एंड्रॉयड का गो एडिशन देखने को मिलता है, तो काफी लाइट एप्लीकेशन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। जो एप्लीकेशन नॉर्मल फोन्स के अंदर 70 70 MB की होती है वो यहां पर 2 2 3 3 MB की देखने को मिलती है और काम भी फर्स्ट क्लास करती है। तो ऐसे में अगर आप एक लाइट फोन लेना चाहते हैं जो लाइट एप्स भी चला सके, तो डेफिनेटली Redmi Go एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है 5,199 में 1 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के साथ। बात करता हूं अगर बाकी कॉन्फ़िगरेशन की तो यहां पर आपको 5 इंच का HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा।
तो हाई डेफिनेशन का डिस्प्ले है, और अगर कैमरे की बात करें तो आपको 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का बैलेंस्ड फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। रेडमी के कैमरे भी काफी अच्छे होते हैं, तो 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी, और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बैटरी की बात करूं तो 3000 एमएएच की बैटरी आपको देखने को मिलती है, और प्रोसेसर की बात करूं तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 का सपोर्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, 5000 रुपए के अंदर रेडमी का फोन है, आप इसके लिए जा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं नंबर 4 फोन के बारे में, वो भी रेडमी का ही फोन है, रेडमी 7A, जहां पर आपको 5499 रुपए में, सिर्फ 5499 रुपए के अंदर 2GB की रैम और 16GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसको आप बढ़ा भी सकते हैं 256GB तक। 5.45 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, और रियर कैमरे की बात करें तो वो 12 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरे की बात करें तो 5 मेगापिक्सल। बैटरी बैकअप जो है यहां पर आपको 4000 एमएएच का देखने को मिलेगा, तो बड़े आराम से आपका एक दिन निकाल देगा। और अपग्रेड प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का, तो परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलने वाली है। रेडमी 7 एक रिकमेंडेड फोन है मेरी तरफ से, अगर आप रेडमी का फोन ही लेना चाहते हैं तो आप इस फोन के लिए जा सकते हैं, आप निराश नहीं होंगे, 5500 रुपए के अंदर आपका पैसा वसूल इस फोन के अंदर जरूर होगा। और दोस्तों अगले फोन के बारे में बात करने से पहले दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तो मेरा बड़ा मन था कि मैं कोई इंडियन कंपनी का फोन, मतलब इंडियन ब्रांड आपको सजेस्ट करूं, जैसे माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, इंटेक्स हो गया, पर यार ऑनेस्टली बताऊं मतलब कि इनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ अच्छा कर लो। हम दिल से चाहते हैं कि हम इंडियन ब्रांड को प्रमोट करें, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ भी कूड़ा करकट बनाओगे और हम लोगों को सजेस्ट करते रहेंगे। या फिर मैं अब यूएस की बात करूंगा, यूएस मैंने खुद यूज करा, जो काफी अच्छा ब्रांड निकालने की कोशिश करी थी माइक्रोमैक्स ने, लेकिन सर्विस नहीं है, पार्ट्स नहीं मिलते हैं, इतनी दिक्कत आई, मतलब बैटरी मेरे को फोन जो है फेंक के दूसरा फोन लेना पड़ा क्योंकि उसके पार्ट्स मुझे रिप्लेसमेंट में मिले ही नहीं। तो यार बड़ी मजबूरी है, दिल पे पत्थर रख के बात बोल रहा हूँ कि सर्विस नहीं मिल रही, अदरवाइज अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन अच्छी हो, इनके पार्ट्स मिल रहे हो, सर्विस अच्छी हो, डेफिनेटली मैं पहला इंसान हूँगा जो सबसे पहले इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करेगा। और दूसरी बात यह है कि Realme का C2 जो है वो 6000 रुपये से थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि 6400 रुपये का मिल रहा है, लेकिन अगर आपके पास कोई कार्ड है तो 5% का डिस्काउंट मिलकर आपको 6000 रुपये के आसपास वो मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा फ़ोन है, अगर आप 200 रुपये ऊपर खर्च कर सकते हो या फिर कार्ड है आपके पास उसको यूज़ कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप इस फोन के लिए चले जाइएगा। अगर बात कर लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पर आपको 6.1 इंचेस का ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, स्क्रीन की क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है। बैक पैनल की बात करूँ तो वहाँ पर भी आपको डायमंड कट फिनिश देखने को मिलती है, देखने में बहुत ही लाजवाब लगती है, मतलब हाथ में आप इस फोन को लेके तो डेफिनेटली ये इन सब में सबसे बेस्ट लगने वाला है। और अगर बात करता हूँ मैं रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको 2GB की रैम और 16GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसको आप अलग से मेमोरी कार्ड लगा के 256GB तक बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा फोन है जहां पर आपको रियर में ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का, जहां पर 2 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो बुके इफेक्ट के लिए है, तो आपके जो ब्लर वाली इमेजेस होते हैं वो भी आप यहां पर ले सकते हैं। फ्रंट की बात करें तो 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है, जहां पर अच्छी खासी इमेज जो है वो आ जाती है। बैटरी बैकअप की अगर बात करो तो यहां पर आपको 4000 एमएएच का मैसिव बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, बड़े आराम से एक दिन आपका निकाल देगा। प्रोसेसर की अगर बात करूं तो मीडियाटेक का P22 का प्रोसेसर, ऑक्टाकोर प्रोसेसर यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, तो डेली यूज मतलब मल्टीटास्किंग आप इस पर कर सकते हैं और हल्की फुल्की गेम भी खेल सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, याद रखिएगा फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फेस अनलॉक का सपोर्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका बजट 6000 से थोड़ा सा ऊपर है तो आप इस फोन के लिए जा सकते हैं, बाकी अगर जो सैमसंग लवर है वो सैमसंग J2 के लिए जा सकते हैं, वो भी आपको इसी रेंज में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 5 फोन जो 6000 रुपए से नीचे के प्राइस रेंज पे डेफिनेटली आपको एक अच्छा मतलब कि एक्सपीरियंस जो वो दे देंगे। और एक मेरे भाई अगर ये बोले कि आसूस ज़ेनफोन लाइट L1 क्यों नहीं लिया, तो यार वो मार्केट में फिलहाल अवेलेबल नहीं है, और ऐसा कोई फ़ोन बताना जो अवेलेबल नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनती है उस चीज़ की। और कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनका फ़ोन मैंने नहीं शेयर करा, रीज़न वही है माइक्रोमैक्स वाला कि सर्विस नहीं मिल रही है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ठीक से नहीं है, तो मैं ऐसे ब्रांड को सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर ठोक देना इस वीडियो पे, और इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।